जनपद बिजनौर में बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं बीती रात जनपद बिजनौर में 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जनपद बिजनौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव में नूरपुर के 2, नेटौर के 3 और नजीबाबाद से 1 और अफजलगढ़ से 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जनपद में मिले इन 7 लोगों के घर के सभी सदस्यों को जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन करा दिया गया है और इन लोगों के गांव के दायरे को 1 किलोमीटर तक जिला प्रशासन ने सील करा दिया है। इन गांव के अंदर ना तो कोई व्यक्ति आ सकता है और ना ही कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। नूरपुर के मोहल्ला बंजारन ब्रह्मपुरी में रहने वाले एक ही परिवार के 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों कोरोना पॉजिटिव को हल्द्वार के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। वहीं 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मोहल्ले को पूरी तरह सील करा दिया गया है और मोहल्ले को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके पर निगरानी रख रही है और अनाउंसमेंट कराकर सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। एक जरूरी सूचना, सभी सज्जनों को सूचित किया जाता है कि आपके मोहल्ला बंजारन और मोहल्ला ब्रह्मपुरी में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से ना निकले, सभी व्यक्ति अपने घरों में रहें। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत से संबंधित आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी, फल आदि की व्यवस्था डोर टू डोर की जाएगी। धन्यवाद। उधर नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम हर्षवाड़ा में 40 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।